दोस्तों, और जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रमन और फुटबॉल। ये कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। रमन और फुटबॉल। बन बानो, हम फुटबॉल का मैच खेलना चाहते हैं, तो किसने रोका है? गोल पर लगाने का नेट नहीं है। वह मच्छरदानी है, उनसे काम चला लो। शुक्रिया। और मैदान पर चले। ओह, गोल, धड़ाक! तुमने मेरी मच्छरदानी तोड़ दी। गोल दागने पर भी तारीफ के दो शब्द नहीं। गप्पू और बचाओ, मेरे पीछे ततैया लग गया है। रमन, तुम एक मामूली ततैया से डरते हो? बड़े बुजदिल हो, जाओ वरना मार डालूंगा। वह फिर आ गया, इस बार मैं इसे मारने जा रहा हूं। धड़ाक, बचाओ! नया सूट। रमन, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी गर्लफ्रेंड बन बानो खुश हो जाए। खलीफा, औरतों को नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है। समझ गया, मैं जाकर अपनी महबूबा के लिए वह खरीदता हूँ। लेटेस्ट डिजाइन गारमेंट्स, मुझे एक खूबसूरत लेडीज सूट चाहिए। बन बानो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वो एक खूबसूरत सूट, महंगा लगता है। रुको, मैं अभी से पहनकर दिखाती हूँ। कैसी लगती हूँ? जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। तो फिर चले? कहाँ? इतना कीमती सूट पहनकर कोई घर में थोड़े ही बैठेगा। होटल में खाना खाने चले। बटन और सुई, सुबह सवेरे नहा लेने से जिस्म में फुर्ती आ जाती है। कमली, मेरी शर्ट का एक बटन टूटा है, यह तुम मुझे दो, मैं उसे अभी तुम्हारी कमीज पर टांग देती हूँ। ओह, सुई मेज की दराज में नहीं है, पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया। बैठ के सोचो, वरना बिना सुई के बटन कैसे लगेगा? तुम ठीक कहते हो। आओ, याद आया, ब्लाउज की तुरपाई करने के बाद मैंने सुई को यही छोड़ दिया था। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। नारियल, रमन क्या बैंक तो पैसे कटाने गया सी? हाँ मोगा सिंह, घर में पैसों की जरूरत पड़ गई थी, मैंने बैंक से 10,000 रुपये निकलवा लिए। बाय। उस बदमाश ने हमारी बातचीत सुन ली, वह मुझे लूटने आ रहा है। बेहतर होगा मैं उस नारियल वाले के पास खड़ा हो जाऊं, उसके होते डाकू मुझ पर हमला नहीं करेगा। नारियल कितने का है? 12 रुपए का, मगर कोल्ड ड्रिंक तो 10 रुपए का आ जाता है। नारियल में ताकत होती है। एक दो धड़ाक, खाली नारियल को फेंक दिया जाए। सचमुच नारियल में ताकत है। किराया, नाश्ता तैयार है, दफ्तर जाने का टाइम हो गया है, मैं वहीं कुछ खा लूंगा। रमन, मेरी बस छूट गई है, क्या तुम मुझे दफ्तर तक अपने स्कूटर पर लिफ्ट दे सकते हो? सुबह स्वामी, स्कूटर पेट्रोल से चलता है, जो किराया तुम बस में देते हो वह मुझे दे देना। मंजूर है। दफ्तर आ गया। निकालो, तुमने कहा था कि जो किराया तुम बस में देते हो वह मुझे दोगे। मैंने बस में कभी टिकट नहीं लिया। गप्पू का वजन, गप्पू कहाँ जा रहे हो? दफ्तर। रमन, इतनी धीमी स्पीड से तुम शाम तक यहाँ वहां पहुंच पाओगे? क्या करूँ, स्कूटर को चौथे गियर में डालने पर भी वह पहले गियर की स्पीड से चलता है। वह इसलिए कि उसे तुम्हारे भारी वजन के शरीर को लाद कर चलना पड़ता है। मैंने वजन घटाने की बड़ी कोशिशें की, मगर सब फेल हो गई। तुम दफ्तर पैदल जाया करो, 9-10 किलोमीटर रोज चलने से जरूर फायदा होगा। एक बार मैंने ऐसा ही किया था, मगर उससे मेरा वजन और बढ़ गया। वह कैसे? रास्ते में हलवाई की दुकान आई, मैं वहां 3 प्लेटें छोले भटूरे, 4 ग्लास लस्सी, 12 समोसे और 1.5 किलो बर्फी खा गया। रेस्तरा, दोस्त खलीफा, आओ बैठकर ताश खेलेंगे फिर कभी। अभी मुझे बनबानों से मिलने जाना है, इसका आकर्षण मैग्नेट से ज्यादा होता है। बनबानो, मेरी बुलबुल, मेरे मजनू, पार्क में मुलाकातें अच्छी हैं, खाक अच्छे, धूप से पसीने छूट रहे हैं, किसी ढाबे में चलते हैं। मैं तुम्हें एयर कंडीशन रेस्तरा में ले जाऊंगा, तुम्हें
जा पसीना न्याय। खलीफा, एयर कंडीशन रेस्तरा में तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? बिल देखकर। गैस की बचत। कमली सब्जी ठीक से पकी नहीं। हाँ, मैंने खुद उसे आधी कच्ची रखी है। इसके बावजूद तुमने उसे मुझे खाने के लिए परोस दिया। कुकिंग गैस महंगी हो गई है। अगर मैं सब्जी को जल्दी स्टोव से उतार लूंगी तो सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और पैसे बचेंगे, समझे? आओ, क्या हुआ? पेट में दर्द? जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। यह दवाई बाजार से खरीद कर 7 दिन खाओ। निकालो मेरी फीस 300 रुपये। रमन और रद्दी। अखबार की रद्दी इकट्ठी हो गई है, उसे बेच दो। एक कबाड़ी इस ब्लॉक में आया है, उसे बुला लो। रद्दी बोतल वाला, यह ले जाओ 6 किलो 500 ग्राम। लीजिए 25 रुपये 30 पैसे। इन पैसों से हम गोलगप्पे खाएंगे। कमली, यहाँ कुछ पेपर्स पड़े थे, वे मैंने कबाड़ी को बेच दिए। वे मेरे 50,000 रुपये के डिपॉजिट बॉन्ड थे। ये डारी, शाम को मेरा स्वेटर कब तैयार होगा? आज। यह तो तुम पिछले 6 महीने से कह रही हो। जितना मुझे बातों में उलझाओगे उतनी बुनाई की स्पीड कम होगी। अच्छा, मैं दफ्तर जाता हूँ, शाम को तुम्हें यह तैयार मिल जाएगा। कमली, क्या किटी पार्टी में नहीं चलोगी? नहीं, मुझे यह स्वेटर आज तैयार करना है। शुक्र है बुनाई खत्म हुई। जाकर इसे मैं हैंगर पर टांग दूं शाम को। क्या मेरा स्वेटर तैयार हुआ? बिल्कुल। वह बेडरूम में टंगा है, मैं उसे पहनने को उत्सुक हूँ। चूहे ने उधेड़ दिया। अपना हाथ जगन्नाथ। टिन टिन, फोन आ गया। मैं पंखे बेच रहा हूँ, यह ठंडी हवा देगा, सस्ता है, सिर्फ 2 रुपये में। मेरे घर में बिजली के पंखे लगे हैं, फिर तुम्हारा पंखा खरीद कर कौन हाथों को थकाए? आजकल डेजर्ट कूलर और एयर कंडीशन का जमाना है, तुम्हारा पंखा कोई नहीं खरीदेगा। यूं ही मेरा वक्त बर्बाद किया। यह पंखा रुक गया, बिजली चली गई। जरा ठहरना, अब इस पंखे की कीमत है 5 रुपये। खलीफा की कार, मेरी नई कार। धड़ाक कड़ाक। रमन, तुमने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया, तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। कितना? 2,000 रुपये। रकम ज्यादा है, अगर मैं नया शीशा लगा दूं तो कैसा रहेगा? तुम शीशा कहां से लाओगे? इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर फिट कर दूंगा। किस्तों पर। रमन, मेरा मकान खाली करो। डॉट रमजी, हम कहां जाएंगे? जैनू में, वहां भी आजकल जगह नहीं है। मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए यह मकान बेच दूंगा। इसे मुझे ही बेच दो, क्या लोगे? 10 लाख रुपए। किस्तों में दूंगा। कितनी किस्तों में? किराया कितना है? 1,000 रुपये प्रति माह। बस, किस्त भी उतने पैसों की। कमाई। खलीफा, बनबानों ने के अब्बा ने तुम्हें बुलाया है, वे अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। कहते हैं मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मेरे बुलबुल, आखिर हमारी मोहब्बत रंग लाई। मेरे मजनू, क्या तुम गृहस्थी का बोझ उठाने के काबिल हो? क्यों नहीं, मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है, मैं वहां से बहुत सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। बहुत सारा? कितना? इतना कि मैं 4 बीवियों का भी खर्चा उठा सकूं। जो आदमी 4 शादियां करने की सोच रहा हो उससे अपनी नहीं करनी, मुझे अपनी बेटी की शादी। मजाक। सुबह स्वामी, मेरी फाइल में गलतियां थी, फिर भी आज बॉस बारूद फट मुझ पर चिल्लाए नहीं। बॉस का आज मौन वर्त है, मैं महीने में एक दिन बोलता नहीं। अगर यह बात है तो क्यों ना मजाक किया जाए। मैं फाइल में मेंढक रख देता हूँ, जब बुड्ढा फाइल खोलेगा तो मेंढक उस पर खुदक पड़ेगा। बॉस का मौन वर्त है, वह मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। जाकर यह फाइल बॉस को देता हूँ। मेंढक उछला। धड़ा, मैं भूल गया, मौन वर्त में जुबान नहीं चलती, लात तो चलती है।
पेवेलियन या अस्पताल स्टॉक, मैं उसे वापस पेवेलियन भेजता हूं। धड़ाक, संभल कर, वह सबको जख्मी करना चाहता है। हाय, धड़ाक, औ योग और पुलिस, हमें कमरा योगाभ्यास के लिए खाली रखना चाहिए, बेहतर होगा अगर तुम व्यायाम खुले वातावरण में करोगे। ठीक है, मैं करीब के पार्क में जाता हूँ। क्या हंसना भी व्यायाम है? हा हा हा, अवश्य, इससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऑक्सीजन जाती है। मैं भी इसे करना चाहूंगा, एक जोर का ठाका लगाओ। हा हा हा, क्यों भाई, पुलिस ही खिल्ली उड़ाता है, दो दिन अंदर रहेगा तो यह सब भूल जाएगा। सुपर भूत मोगासिन, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? बड़ी डरावनी सी, मेरा कलेजा धड़क रहा है, घर आ गया, जाकर सो जा। वापस क्यों आ गया, अपने घर क्यों नहीं गया? कहीं अंधेरे विच भूत ने बैठा हुए, मैनू डर लगता है। तेरी शादी को कितने साल हो गए? 10 साल। जिसने बीवी को इतने अरसे जेल दिया, वो तो उसका कुछ उसका क्या बिगाड़ देगा। फिट और फिट, टीवी सीरियल में काम करोगे? मैं एक डायरेक्टर हूं, यह मेरा विजिटिंग कार्ड, शाम को स्टूडियो पहुंचाना। हुर्रे, एक डायरेक्टर ने मुझे टीवी सीरियल में चांस दिया है, लाखों लोग मुझे स्क्रीन पर देखेंगे। शूटिंग के लिए तुम्हें यह नया सूट पहनकर जाना चाहिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। ओ, मेरी बस अगर वह छूट गई तो मैं लेट हो जाऊंगा। शुक्र, मैं बम्पर पकड़ने में कामयाब हुआ, मेरे कपड़े बर्बाद हो गए। हमारा सीरियल मार धाड़ का है, उसके लिए तुम्हारा उदय बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों, एक उम्र सी पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।